अपना अगला टॉपिक है टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखिए अपना टॉपिक नहीं है, अपना टॉपिक उसके नीचे तीन टिप्पणी लिखनी है तो केवल अपनी हेडिंग है, ठीक है। तो तीन टॉपिक है, कौन कौन सी? जाति, लैंगिक द्रुपता और बहुरूपता, ठीक है। चलो अपन लेते हैं पहले जाति को। जाति क्या होता है? एक समान जीवों के समूह को जाति कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको एकदम क्लियर समझाता हूँ भाई। देखिए, मेरा नाम राहुल रमन है, मैं हूँ, ठीक है। मेरे सर है जयंत शर्मा जी, ठीक है। उनके कुछ और स्टूडेंट्स को ले लेते हैं, मेरे मित्रों को ले लेते हैं। हम सब एक समान जीव है, ठीक है। हमारा समूह है, ये क्या हो गई जाति? कौन सी जाति? मानव जाति। इसलिए एक समान जीवों के समूह को मानव जाति कहते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में हम ये भी बोल सकते हैं कि आपस में संकरण करने वाले जीवों के समूह को जाति कहते हैं। इज दैट क्लियर? चलो हम आगे बढ़ते हैं। अगला देखो भाई, कभी कभी क्या होता है, भिन्न भिन्न वातावरण में रहने के कारण एक समान जीव जो होते हैं उनमें भिन्नता आ जाती है। जैसे मैं समझाता हूँ, कुछ लोग यहाँ रहते हैं, ठीक है, किसी कारणवश इन्हें ये स्थान छोड़ने के लिए मजबूर हुए। तो मान लो इधर कड़ाके की ठंड पड़ती है और इधर बहुत भयंकर रेगिस्तान, इधर गर्मी पड़ती है, उधर ठंड पड़ती है। ये लोग दोस्तों बढ़े आएंगे, ठीक है। वो इधर गए तो इधर ठंडा ज्यादा है, तो इन लोगों का रहन सहन, खान पीन का तरीका सब कुछ उनके जैसा हो जाएगा, उस हिसाब से व्यवस्थित बन जाएगा, ठीक है। इधर सर्दी गर्मी वाले लोग गए तो इधर इनका खाने पीने का तरीका, रहने का तरीका, दैनिक दिनचर्या जो है वो इन तरह के लोगों की हो जाएगी। इसलिए क्या होता है कि कभी कभी भिन्न भिन्न वातावरण में रहने के कारण एक ही जाति के जीवों में भिन्नता आ जाती है, और भिन्न जाति के समूह को क्या कहते हैं हम? उपजाति। उदाहरण के लिए मंगोलियन और निग्रो, एक कॉक्रेसी भी है, ठीक है। चलो अब अपना अपना दूसरा टॉपिक है, क्या है? लैंगिक द्रुपता। होता क्या है, एक ही जाति के जीवों में जो होता है विकासात्मक व्यवस्था, यानी उनके वृद्धि करने की व्यवस्था होती है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। उनका आकार मतलब वो दिखने में कैसे, उनका भौतिक ढांचा कैसा है, ठीक है। तो ये इनमें एक अंतर जो होता है, ठीक है, उसे द्रुपता कहते हैं। मतलब एक ही जाति के जीवों का दो रूपों में पाए जाना, क्या कहता है? द्रुपता। तो ये तो केवल द्रुपता क्लियर हुआ ना अपना, लैंगिक तो रह गया। और यदि यही द्रुपता लिंग से संबंधित हो तो क्या हो जाएगा? लैंगिक द्रुपता। और इसका उदाहरण है मोर व मोरनी। आप आराम से देख सकते हो मोर मोरनी में क्या अंतर है। मोर दिखने में सुंदर होता है, मस्त पंख होते हैं, और भाई मोरनी थोड़ी बदसुंदर होती है और उसको पंख नहीं होते, आकर्षक नहीं लगती, लेकिन मोर बहुत आकर्षक लगती है। तो अपना लैंगिक द्रुपता भी क्लियर हो गया। अब अपना तीसरा टॉपिक है क्या? बहुरूपता, ठीक है। बहुरूपता क्या होता है? एक ही जाति के जीवों का बहुत सारे रूपों में पाया जाना बहुरूपता होता है, ठीक है। और जो आपने परिभाषा समझ ली कि एक ही जाति के जीवों का बहुत सारे रूपों में पाया जाना बहुरूपता कहलाता है, और इन जीवों को क्या कहते हैं हम? बहुरूपी जीव, ठीक है। और यदि ये बहुरूपता लिंग से संबंधित है तो ये हो जाएगी अपनी लैंगिक बहुरूपता, ठीक है। इसके अपन उदाहरण कई सारे देख सकते हैं, जैसे मक्खी है या चींटी है। चलो मैं आपको चींटी से एकदम क्लियर समझाता हूँ, हमने उदाहरण के लिए इधर चींटी भी लिख रखा है, ठीक है। होता क्या है दोस्तों कि जो चींटी होती है ना वो कई प्रकार से पाई जाती है। जैसे जो नर मादा चींटी होती है ना वो प्रजनन हेतु कार्य करती है। किस लिए प्रजनन? अपनी संख्या को बढ़ाती है। और जो एक चींटी होती क्या कहते हैं उसे, श्रमिक चींटी, उसका काम क्या होता है? ये जो नर मादा चींटी होती है इनके लिए भोजन की, आवास की व्यवस्था करती है। तो अपने तीन टॉपिक अगले क्लियर हो चुके हैं, ठीक है।